जमूरे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। इतने सारे सीख लिए, कम नहीं है क्यों? दो दो तीन तीन करके कब सगरे सीख लिए पता ही ना चला। क्यों रे सुशीला, जे सगरे सीख ले और नहीं तो क्या। यादा राम प्यारे, तू क्या क्या ले ही शुरू शुरू में? दो चार हो तो मगज खपा के याद भी कर ले इंसान, पर यहाँ तो दर्जनों हैं मेरी खोपड़िया में नहाने के। सच, मैं तो इतना डरे ही कि कैसे सीखूंगी पढ़ना। पता नहीं लोग पढ़ाई लिखाई से इतना डरे क्यों हैं? बहुत मुश्किल तो है ना? अरे मुश्किल क्या है, बस मन लगाने की बात है। जे तो सही है, एक बार कोई काम करने की ठान लेवे इंसान तो करे लेवे है। इस गीता को ही देखो, कैसे सीख ली सिलाई रसीदा भी से, वरना कोई कह सके हा कि जे बॉर्डर औरों को सिखा सकेगी सिलाई। पर कमाल है, इतना पढ़ गई मैं। ये तो ऐसे रही है ताई, जैसे बड़ी MABA है गई हो। मेरे लिए जेई MABA से कम ना है। हाँ हाँ, फिर तुम दोनों की चौंचे शुरू है गई। तुम दोनों का तो एक साथ बैठना दूभर है। जा वहां जाके बैठ। मैं क्यों जाऊं? कौशल्या बहुत है गया, जा उधर जाके बैठो। हाँ हाँ, बैठी रहने दे, कोई बात ना है, बैठे रहने दे। मर्जी तुम्हारी, एक पल लड़े दूसरे पल प्यार करें। ओले ओले ओले, बंद करो मस्करी और तैयार है जाओ, मैं सबों का इम्तिहान लेने वाली हूँ। इम्तिहान? हाँ, ताकि पता चले कि तुमने सीखा कितना। किताब में लिखी चीज को पढ़ लेना लिख लेना एक बात है, और अपनी मर्जी से लिखना दूसरी। मर्जी से माने? माने जैसे अशरफी ने उषा बहन जी को चिट्ठी लिखी है ना। हाँ। वैसा लिख सको? अरे क्या बात कर रही है, इतना लिखना हमारे बस का ना है। हाँ। बस यही बात से मुझे चिढ़ है, हर बात में कहता हो हमारे बस की ना है, हमारे बस की ना है। क्यों ना है तुम्हारे बस की? अच्छा अपनी अपनी कापियां खोलो, मैंने एक कविता बनाई है जो पूरी की पूरी इन्हीं अक्षरों और मात्राओं से लिखी जा सके है। मैं बोल के सुनाऊंगी और तुम लिखना, फिर देखूंगी किसने कितनी गलतियां करी। ज्यादा मुश्किल मत ना बोलियो। अरे मुश्किल कैसी, जब कह रही हूँ कि इन्हीं अक्षरों से बन जाएगी पूरी। सारों से? सारे चाहे ना लगे, पर जो भी लगेंगे इन्हीं में से लगेंगे। पर इतने सारे एक साथ याद कैसे रहेंगे? फिर वही बात, आते सगरे हैं, बस एक जगह क्या देख ली, घबरा गई। अच्छा बता जे क्या है? उ। और जे? ओ। और जे? घ। जे? ज है। नहीं, च है। हाँ। और जे? ट। और जे? श है। आते तो है सर, बेकार घबरा रही है। अच्छा सब उठाओ कापी पिंसल और लिखना शुरू करो। कला की बेटी कमला रानी
घर का काम करावे रोटी सेके पानी लावे माँ का हाथ बटावे बटावे पढ़ना लिखना सीख ना पावे खेल तलक ना पावे गुपचुप देखे बाकी बालक कितने मजे उड़ावे शीश राम के भेजे मेथी मोटी बात समाई कहीं से मन का वर मिल जावे कर दे तुरंत सगाई लिख लिया दिखा राम प्यारे बस और ना है अरे इतनी बना ले ये क्या काम है यार मैं उसकी शादी की बात तो ही ना है शादी के बाद की बात भी ना बताई अच्छा अरे सोना दे अब तू यहाँ की शादी करा ही डाल शादी के बाद की बात सोच सोच के हल्का हो जा रही बेचारी ये चुप बेशरम ना होवे तो अरे बच्चों के सामने ऐसी बात कर रहे हैं अरे तुम लोगों को शादी की बात छोड़ के और कुछ सोचते भी है कि नहीं हाँ मूर्ति बोल क्या कह रही है कुछ ना कह रही है अरे बोलना बात बात पे थोड़ा सुझा ले वे पूरी ना है जी कविता किताब में तो आगे की बात भी लिखी है अरे लिखी तो है पर मुंह से ना बनाई गई आगे पता ना शर्फी कैसे बैठे बैठे बना ले वे गाना मैं तो आधी रात तक मगज खपाती रही तब जाके बनी है इतनी और ऊपर से जे बंदिश इतने कम अक्षरों में लिखो नो सुन लो इतने सारे को कम बता रही है जब सगरे सीख जाएगी ना तू तब तुझे भी जे कम लगेंगे पाली उम्र में पिता ने कर दी चट मंगनी बट शादी पाली उम्र में पिता ने कर दी चट मंगनी बट शादी जेना सोचा होगी उसके बचपन की बर्बादी अरे कमाल है मैंने तो बैठे बैठे कविता ही बना ले अरे लिखो नहीं सब जल्दी जल्दी बोल बाली उम्र में पिता ने उसके नामासी बाली उम्र में पिता ने कर दी चट मंगनी पट शादी ये ना सोचा बचपन मौसी ऐसे ना है हाँ जेना सोचा होगी उसके
बर्बादी। लिख ली सबने? अब रुके मत मूर्ति, और बना बना। सास ससुर ने पहले दिन से, सास ससुर ने पहले दिन से यही रटन लगाई। पोते पोती का सुख देने दुल्हन घर में आई, बनी तो अच्छी है कविता, पर ये आई कैसे लिखेगी? आ तो मैंने सिखाया ही ना। आना सिखाया ना? तो अब सिखा दे ना। अभी ना सिखाऊंगी, जब आ सिखाने की बारी आएगी तब सिखाऊंगी। आप समझी मूर्ति? क्यों कह रही ही मैं कि इतने कम अक्षरों में कविता बनती ही ना है। वाह, बनेगी कैसे नहीं? मूर्ति इसे यूं लिख, सासू जी ने पहले दिन से जेई यही रटन लगाई, पोते पोती का सुख लेने दुल्हन घर में लाई। हाँ जी ठीक है, दुल्हन घर में लाई कैसे ठीक है? ससुरे को तो छोड़ ही दिया, सारा जिम्मा उठा के सास के सर पर रख दिया। और क्या, सासे तो दिख कर रहे हैं मुँह को। अच्छा, जैसे ससुर तो कुछ कर रहे ही ना है। अरे वो ही तो ज्यादा परेशान करे हैं। मैंने तो आज तक फूटे मुंह से अपनी बहू को कुछ ना कहा, मेरा डोकर ही छोरा के पीछे पड़ा रह गए है। बालक क्यों ना है रहा, बालक क्यों ना है रहा। अरे बहू की डॉक्टरी करा, कहीं कोई कमी तो ना उसमें। पर तू तो कह रही अभी तेरा छोरा ही ना चाहे बालक। अरे अपने चाचा से तो उसने यही बात कही थी, पर उसके बापू को कौन समझा रहे? अरे जो बनी है वो तो लिख लो। हाँ बोल गीता। सासू जी ने पहले दिन से ये ही रटन लगाई, पोते पोती का सुख लेने दुल्हन घर में लाई। दुल्हन घर में लाई दिखाओ सब। ठहर ठहर मौसी, और बना रही है मूर्ति। लेकिन पति पढ़ा लिखा था, बोला जेना होगा, जेने ये बोला ये ना होगा। लेकिन पति पढ़ा लिखा था, बोला जेना ये बो, लेकिन पति पढ़ा लिखा था, बोला ये ना होगा, चार बरस के बाद ही मेरे घर में बालक होगा। अब बनी ना पूरी कविता, लिखो सब। लेकिन पति पढ़ा लिखा था, बोला ये ना होगा, चार बरस के बाद ही मेरे घर में
बालक होगा। बालक? शाबाश मूर्ति, एक दिन तू हमारे केंद्र का नाम रोशन करेगी मेरी बच्ची। तुम देख लेना सगरी, एक दिन ये दूसरी कमला बनेगी। देख लिया सबने? ला अब कापियां मुझे दे। अरे सुखिया, हाँ बैठ जाता ही। क्या बात है, कुछ बोलेगी ना? तुझे जैसे कुछ पता ना है। मुझे तो इतना पता है कि तू ठाकुर को अस्पताल ले गई उषा बहन जी को धमकाने। पता था मुझे तू भी उसी की तरह तारी करेगी। हाँ, अरे उस डायन ने जो मेरे पेट पे लात मारी उसका तो खूब बदल ना है। ये मीरा देवी के काम ही जो जेबी आ गई नास पीटी। अरे सुखिया, जेब पट्टी पढ़ाइयो काम तो ठाकुर को जाके। अरे मुझे पता ना है, उषा बहन जी गांव में आने के अगले दिन ही तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे घर पहुंची है। तुझसे अपने साथ काम करने की कही, अरे ट्रेनिंग की भी कही, और तेने तो उन्हें भला बुरा कह के अपने घर से ही निकाल दिया। हुआ वो तो पहले दिन से ही मेरे पीछे पड़ी है कमला। अरे झूठ मत बोल सुखिया, मुझे सब पता है। उषा बहन जी तो आज भी तुझसे कह रही है ट्रेनिंग कर ले, दो अक्षर पढ़ ले। पढ़ना जाने क्या गुमान है अपने पे, पता नहीं कौन सी विद्या है तेरे पे जो ट्रेनिंग से बर्बाद है जागी। क्यों कर लूं ट्रेनिंग, पागल कुत्ते ने काटा है मुझे जो ट्रेनिंग कर लूं। अरे आधा गांव इन हाथों से पैदा किया है, तेरा मर्द भी इन हाथों की पैदाइश है। और जे कल की छोकरी जिसने अपने कोख से चूहे का बच्चा भी ना जना, मेरे से कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कर ले। अरे काहे कर लूं ट्रेनिंग, काहे पढ़ लूं, तू ही बता काहे पढ़ लूं, काहे ट्रेनिंग करूं मैं। अरे ट्रेनिंग ना करेगी तो बचा कुछ धंधा भी तेरे हाथ से निकल जाएगा। देख सुखिया, एक बात गांठ बांध ले, ये गांव वाले अंधे ना है, सभी ने देखा है कि जो जच्चा उषा बहन जी के पास गई उसका बच्चा भी बच गया और उसकी सेहत भी ठीक रही। अरे फिर क्यों आने लगे तेरे पास? और जो जो तेरे हमदर्द बने घूमे ना ये काम तो ठाकुर, अरे ये क्यों ना भेजते अपनी बहू बेटियों को तेरे पास, क्यों भेजने बड़े अस्पतालों में? अरे देख सुखिया, एक बात को समझने की कोशिश कर, ये पढ़ी लिखी और ये ट्रेनिंग करे भी दाइया और डॉक्टर नहीं है ना, इनके आगे चलेगी ना तेरी इजाजत। अरे देख अभी कुछ ना बिगड़ा है, ट्रेनिंग कर ले, काम सीख ले, अरे वरना बुढ़ापे में बेसहारा है जागी तू। कमला, इस बुढ़ापे में मैं क्या सीखूंगी नए तरीके, मुझको तो पढ़ना लिखना भी ना आता, मेरा सारा काम छिन गया, मैं भूखी मर जाऊंगी। बेटी कमला, तू कुछ कर, उस बहन को समझा दे, मेरी उम्र ना रह गई मेरा काम सीखने की, और फिर जब इतना सब है गया क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं उनके पास। अरे रो मत, रो मत, अब चुप हो जा। अरे तुझे किसने बहका दिया तू अब काम ना सीख सके? अरे तेरे पे जितना तजुर्बा है ना, तुझे तो जरा सा टाइम ना लगेगा सीखने। देख जब उषा बहन जी ने तुझसे आप कहा कि तेरी ट्रेनिंग करवा देंगी, फिर तू क्यों घबराती है? और देख कल परसों से तो सुशीला बहन जी के घर और औरतें पढ़ने जा रही हैं, अरे तू भी जाना शुरू कर दे। क्यों? ये सब मुझसे ना होगा कमला, मुझसे ना होगा। अच्छा चल ठीक है, मैं सुशीला बहन जी से बात करूंगी, वो तुझे अलग से पढ़ा दिया करेगी, ठीक है? अरे हम सब तेरे साथ हैं, महिला समिति तेरी मदद करेगी। अरे तू तो पूरे गांव की अम्मा है, तुझे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? चल मेरे साथ चल, मैं उस बहन से बात करूं, चल। और देख ले जिस दिन तेरी ट्रेनिंग पूरी है जाएगी ना, उस दिन पूरे गांव में जश्न मनाएंगे हम। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत, औरत जो बढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी
औरत की जुबानी, औरत की कहानी।